हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्केन स्पोर्ट्स में। और दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एयर राइफल लेकर आया हूं वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल और असॉल्ट राइफल लुक में आता है। तो गन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो वीडियो तो देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो जाइए, पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आर्मर हरिकेन मॉडल 20 के बारे में। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये एक 0.177 4.5 mm कैलिबर का एयर राइफल है जिसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो गन को देखने से पहले, जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले हम इसकी एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम और आगे गन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम गन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं गन कैसा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये आर्मर गन आर्मर के ही ऑफिशियल बॉक्स में आता है और जिस वजह से इसकी शिपिंग करना बहुत इजी होता है। तो हम पहले देखते हैं गन, ये इसकी गन आता है और साथ में एक पैलेट बॉक्स हम साथ में देते हैं इसके, और कुछ एलन कीज भी आपको मिल जाएंगे। चलिए हम गन को खोल लेते हैं और देखते हैं ओवरऑल लुक कैसा है गन का, क्या क्वालिटी है, कितना वेट है, कितनी हाइट है। वाओ, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गन असॉल्ट राइफल लुक में आता है और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो बैरल है वो आपका मेटल का होता है और जो इसका बट होता है वो फाइबर बट में होता है। तो फाइबर बट और वुडन बट में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो कस्टमर है मुझसे पूछते हैं कि भैया फाइबर बट और वुडन बट में क्या फर्क है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही बुनियादी फर्क होते हैं फाइबर बट और वुडन बट में। तो जो फाइबर बट होता है वो काफी हल्का होता है और जो वुडन होता है वो काफी भारी होता है फाइबर से। दूसरी बात ये कि वक्त के साथ साथ जो वुडन बट होते हैं वो खराब हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक लकड़ी है। दूसरी बात, गिरने पर वुडन बट अक्सर और कई बार ऐसा होता है कि उसमें क्रैक आ जाते हैं, बट फाइबर बट में क्रैक आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसका हम अगर लेंथ की बात करें कि इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, तो 43 इंचेस की इसकी लेंथ होती है और वेट लगभग आपका 4 kg के पास होता है। अगर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊं तो इसमें आपका फ्रंट साइट आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें रेल मिलता है जिसमें आप स्कोप लगा सकते हैं। तो अगर आपको स्कोप लेना है तो स्कोप भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पावर और फीचर्स की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गन एक ये ब्रेक बैरल और सिंगल शॉट गन है और ये आपका बहुत ही इजी लोड होता है और इसकी पावर बहुत जबरदस्त है और इसका जो रिकॉल है वो भी बहुत कम है, जिस वजह से आपका जो शॉट है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रुपिंग और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये गन लोड कैसे होता है, इसमें हम पैलेट कैसे डाल सकते हैं और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें इस गन को लॉन्ग टर्म अगर हमें चलाना है तो उस चीजों को हमें फॉलो करना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि लोड करने से पहले इसको हमें डायरेक्ट ऐसे करके ब्रेक नहीं करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे और बहुत जान लगाओगे तो इसका जो लॉक है वो खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसको ऐसे पकड़ना है और इसको जोर से मारना है और बहुत ही ईजी है ये लोड करना। और लोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा, इसी में ही आपका 0.177 का पैलेट लगेगा और पैलेट लगाने के बाद, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि ब्रेक हो रखा है तो यहाँ पर अभी आपको ट्रिगर नहीं चलाना है, इससे क्या होगा कि ये गन खराब हो सकती है। तो पैलेट लगाने के बाद ही हम इसको लोड करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो है इसलिए मैं आपको बिना पैलेट के ही गन को चला के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप बिना पैलेट के इस गन को ना चलाएं, अदरवाइज ये गन खराब हो सकता है।
तो एक बार आपने लोड कर लिया तो इजिली इसको हम फायर कर सकते हैं, तो ये इजिली फायर हो जाता है। अभी दोस्तों ये बात बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं कि हमें क्या क्या चीजें इसके साथ नहीं करनी। तो कुछ लोग कॉर्क चलाते हैं, इसमें आप कॉर्क चला सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कॉर्क बहुत ही रेयर चलाए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही चलाए। कॉर्क से क्या होता है, कॉर्क में कुछ डस्ट होता है, जब हम इसको बार बार कॉर्क चला के फायर करते हैं तो डस्ट इसके अंदर चला जाता है और बैरल लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से इस गन को फिर सर्विसिंग के लिए हमें भेजना पड़ता है। तो कोशिश करें कि इसमें आप या तो आप कॉर्क ना चलाएं, और चलाएं तो बहुत रेयर चलाएं। दूसरी बात यह है, तो टाइम टू टाइम इसके बैरल को आपको सफाई करनी है ताकि इसका बैरल ठीक रहे, और कोशिश करें कि छोटे बच्चे माइनर्स उनसे इस गन को दूर रखें। तो दोस्तों सवाल यह आता है कि आप इस गन को कैसे खरीद सकते हैं। तो उसको खरीदने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, हमारा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, आपने दिए हुए नंबर में फोन करना है, या तो आप प्रीपेड कर सकते हैं या फिर कुछ बुकिंग अमाउंट करके भी आप इस गन को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।